प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव की ओर से ग्रीन यूपी अभियान चलाया गया, जहां एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाकर यूपी सरकार ने विश्व रिकॉर्ड बनाने में अग्रसर रही। वहीं अब यहां लगे पौधे सूखने लगे हैं। कुशीनगर में भी 11 जुलाई को पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया था। यहां सभी अधिकारियों ने पौधारोपण किया, लेकिन अधिकारियों की ओर से लगाए गए सभी पौधे अब सूखने शुरू हो गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री की ग्रीन यूपी हरी होने से पहले ही सूखने लगी है। ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान के तहत कुछ पौधे कागजों में लगा दिए गए तो कुछ लगाने के साथ ही सूख गए। इतना ही नहीं, तमाम पौधे सड़क के किनारे ही रखे गए और सूखी लकड़ी में तब्दील हो गए हैं। विभाग भी पौधों के सूखने की बात तो मान रहा है, लेकिन बचाव के लिए विभागीय तर्क ये है कि सूखे पौधों की जगह दूसरे पौधे लगवाए जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का महत्वाकांक्षी अभियान ग्रीन यूपी क्लीन यूपी के तहत कुशीनगर में 11 जुलाई को पौधारोपण का कार्यक्रम 83 चिन्हित साइट्स पर चलाया गया। इस अभियान में वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के अलावा जिलाधिकारी, एसपी सहित जिले के सभी आलाधिकारियों ने शिरकत की। जिले के उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों को अभियान पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई। पौधारोपण की फोटोग्राफी करवाई गई और करीब 250 गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाए गए। कार्यक्रम के अंतर्गत इस वन प्रभाग में 4,62,825 पौधों का रोपण 11 जुलाई को किया गया और ये लगभग उस समय सारे पौधे जीवित थे। जो पौधे सूख जा रहे हैं उनके जगह पर नया पौधे लगा के उनको बदला जा रहा है। जहाँ तक जहाँ पर जगह उपलब्ध है वहाँ घेर बार द्वारा पौधों की सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है, और जहाँ पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं वहाँ इसके अतिरिक्त वाचर भी लगाए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश को ग्रीन यूपी क्लीन यूपी बनाया जाए, लेकिन हमारे देखने से ये जो पौधे हैं ये हमारे कुशीनगर जनपद के में 5,05,000 सारे पौधे हैं। ये कुछ पौधे देख रहे हैं हम रोड के किनारे फेंके गए हैं और वो लोग अपने ड्यूटी निभा रहे हैं। हमको नहीं लग रहा है कि सरकार की सपना साकार होगी। पूरा सरकारी महकमा जहां इस दौरान हाजिर रहा, लेकिन दूसरे ही दिन इस अभियान का सच सामने आने लगा। तमाम पौधे सड़कों के किनारे रखे ही सूखते नजर आए। जिले में अच्छी बरसात होने के बाद भी रोपे गए अधिकतर पौधे सूख गए हैं। कई जगहों पर अभी तक पौधे नहीं लगाए गए हैं। ऐसे में सरकार के इस महत्वाकांक्षी अभियान ग्रीन यूपी अब हरी होने से पहले ही सूखती हुई नजर आ रही है। शैलेंद्र कुमार के साथ हुसबान सिद्दीकी, ब्यूरो रिपोर्ट, कुशीनगर।